उन्होंने जब बल्लेबाजी करने आए थे पाकिस्तान की टीम की क्या हालत थी और अब कहां पाकिस्तान को पहुंचा दिया है अभी दोस्तों। शकील क्रिकेट को अपनी एक नई सनसनी मिल गई है। अब आप ये कहोगे कि भाई सैंपल साइज छोटा है, अभी तो बहुत क्रिकेट खेलने हैं, लेकिन आपको भाई अर्ली इंप्रेशन दिख जाते हैं कि ये खिलाड़ी ही स्पेशल, ही इज मेंट फॉर स्पेशल थिंग्स। पाकिस्तान में आपने बड़े बड़े टैलेंट्स देखे होंगे पहले के समय में भी, एक से एक बैटिंग क्लास वहां पर आई है, लेकिन यार ही इज बिल्ट डिफरेंट। मैं तो यही कहूंगा दोनों ही तरीके के गेम आप देख लीजिए, ऑफेंसिव डिफेंसिव। जब आपको जिसे कहते हैं ना कि भाई अटैक करना होता है, जब वॉली गेम भी दिखा देता है। एक पहले पाकिस्तानी बैटर बने हैं शकील, जिन्होंने श्रीलंका में दोहरा शतक लगाया है, मोहम्मद हफीज के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, जिनका सोच शकील भाई जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम है। जबरदस्त इस पारी की दुनिया बात कर रही है, तारीफ कर रही है कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी कहां से ले आ रहा हूं, जबरदस्त बैटिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद फुल वीडियो की जानिब चलेंगे। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज सऊद शकील के हवाले से भारतीय मीडिया का रद्दअमल देखेंगे कि क्या कुछ कहना है भारतीय मीडिया का। तो आइए दोस्तों वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कांडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो की जानिब। पाकिस्तान का ये खिलाड़ी न्यू सुपरस्टार इन मेकिंग कह सकते हैं भाई, ऐसा कोई दोहराया नहीं है। जो लोग सऊद शकील भाई 208 रन 9 आउट 19 चौके मतलब रहता, लेकिन क्या इनिंग्स रही है, क्या आउटस्टैंडिंग इनिंग्स रही है। श्रीलंका के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सिंगल डबल्स करते रहे। जो नसीम शाह के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी 85-90 रन की, उसमें उनके मात्र 6-7 रन थे। सऊद शकील श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए भाई, इसी के साथ साथ 220 रन बना लेते तो उनका एवरेज 100 का हो जाता होगा। ये रिकॉर्ड तोड़ा भी आकाश भाई वहां पर। साउथ शकील श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। आपको बताता हूँ 6 टेस्ट केवल खेले हुए खिलाड़ी ने इस तरीके का वहां पर आप कह सकते इतिहास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इट मींस ही इज अ स्पेशल प्लेयर। जिस तरीके से नसीम शाह ने भी उनको सपोर्ट करा, कोई डबल सेंचुरी लगा नहीं पाया पाकिस्तान का श्रीलंका में, तो आप देखते होगे कि श्रीलंका के खिलाफ रन करना इतना आसान नहीं होता। मोहम्मद शकील ने टेम्परामेंट क्लास वहां पर उनकी, और ये बीटी नहीं हो रही थे वो तो शुरुआती मैचेस में, अपनी शुरुआती पारियों में डॉन ब्रेडमैन का नाम आएगा, सुनील गावस्कर का नाम आएगा, डॉन ब्रेडमैन का नाम आएगा, उसके बाद साउथ शकील का नाम आएगा। आपने पहले 6 मैचेस में, ये मेरे ख्याल से उनका 7वां मुकाबला अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉन ब्रेडमैन का नाम, फिर सुनील गावस्कर का नाम और साउथ शकील का नाम, ये आप देख लो। भले ही छोटा सैंपल साइज है लेकिन इनका में रन बनाना इतना आसान भी नहीं होता जिस तरीके की कंडीशन में खेले हैं। लेकिन इस छोटे सैंपल साइज को कितने खिलाड़ी मैच कर पाए भाई, कितने खिलाड़ी यहां तक पहुंच पाए कि आप ये बोलो कि भाई इतने कम टेस्ट मैचेस में इस बंदे के जब भी रन आए, पाकिस्तान नीचे लगा हुआ था तब इसके रन आए भाई। इंग्लैंड आप देख लो, बोलते थे बाबर, बाबर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाबर ने इस बंदे को, बाबर सबसे आगे खड़े होकर तालियां बजा रहा है उसके लिए, उसको पता है कि 101/5 ये 149 की जो लीड है। और साउथ शकील भाई मतलब आप बोल सकते हो कि वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, डिफेंस उस बंदे के पास है, उसे पता कब तेज खेलना है कब डिफेंस करना है, क्योंकि पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर आप यंग जेन की बात करोगे, नेक्स्ट जेन की बात करोगे, इस डायमेंशन वाले खिलाड़ी भाई पाकिस्तान का इतिहास देख लो, कौन सा आपको मिडिल ऑर्डर का तगड़ा बल्लेबाज मिला और 6-7 मैचेस खेला, उसकी 90-95 की एवरेज भाई। जो साउथ शकील इस वक्त कर रहा है ना भाई, जैसे कहते हैं ना ऑक्यूपाई करना क्रीज, वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है श्रीलंका को, मेनली फ्रस्ट्रेटिंग द ऑपोजिशन। यस, आप बोलते हो साउथ शकील ने जो बैटिंग करी ना भाई, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो ये मैच्योरिटी आपको 70-80 मैचेस के बाद दिखती है। वहां पर श्रीलंका को रुला दिया है, 50-55 ओवर का गेम आज हो गया, वहां पर आपकी विकेट कितनी गिरी है, तीन बंदा टेल के साथ बड़ा जबरदस्त खेलता, उसके नमूना दिखा दिया। और भाई ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में केवल 6 टेस्ट पुराना है, 10-11-12 पारियां, और आपको जो मैच्योरिटी देखने को मिल रही है ना भाई, दिस इज न्यू। आप देखिए हैरी ब्रुक की बात करते हैं, नेक्स्ट बिग थिंग, शुभमन गिल की बात करते हैं, साउथ शकील इज द न्यू बिग नेक्स्ट बिग थिंग। ऐसी कोई मुझे ऐसी मैच्योरिटी, हैरी ब्रुक ने 100 पाकिस्तान में मारा था ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपने भी देखा चीजों को, ठीक है ना, सब पारी पर भारी में 4 विकेट पाकिस्तान की टीम, वो भी मैं आपके 50-70 पर 4 विकेट गिर जाती है ना, अगर पाकिस्तान की आपका सेशन के अंदर 25 ओवर्स हुए 76 रन आए, 2 विकेटें आई। बड़ी बात इसके अंदर ये रही है आपके लिए कि जो आप मुझे ये बता दो कि चेतेश्वर पुजारा की कौन सी आत्मा नसीम शाह के अंदर आई है भाई, जिस तरह से वो मतलब डिफेंड कर रहे हैं, टिके हुआ है एक छोर को पूरी तरह से संभाल कर रखा हुआ है वहां पर नसीम शाह ने, अब तो जरूर जो है पाकिस्तान थोड़ा नहीं, पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमबैक को भी ओवरकम कर बैठा है समय, जिस तरह से पाकिस्तानी बैटर्स ने परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि हमेशा नहीं होता है कि आपका जो है वो टॉप ऑर्डर रन बनाकर जाए, हमेशा आपके टॉप फोर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दे। इस पूरी इनिंग्स में हमने देखा जहां पर टॉप फोर ने काम नहीं किया, टॉप फोर ने जल्दी वहां पर फंबल आउट कर दिया,
एक स्कोर पर 5 विकेट टारगेट थे, फिर जिस तरह से बारी से बारी सभी वहां पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले रहे हैं। अगर मुझे कमबैक किसे कहते हैं वो आज शायद पाकिस्तान ने करके दिखाया है। आपके दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर, एक ने वहां पर आपका शतक पूरा किया, साउथ शकील की आप बात करें उनकी तरफ से शतक आता है, अगर सलमान जरूर शतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन जो 101 के ऊपर पाकिस्तान ने 5 विकेटें खो दी थी उसके बाद से एक ऐसा शानदार कमबैक पाकिस्तान की तरफ से जहां पर थी साउथ शकील की।